अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अरे दरवाजा तो खुला रह गया। तू कब आया? मैं कब आया? पहले तू मुझे बता, तू कहाँ चला गया था बिना बताए? मैं एक्चुअली गया कि संजय लीला बंसाली जी का फोन आया था, बोले दीपक जी आप मेरे फिल्म में एक ऑडिशन देंगे क्या? तो मैं ऑडिशन देने गया था, अलाउद्दीन खिलजी के मेन सैनिक का रोल था, तो कैमरा पैन होता है ऐसा और नीचे आता है, मैं हाथी के पैर के नीचे कुचला हुआ दबा मरा पड़ा हूँ भाई, मरने की भी एक्टिंग नहीं करने दी, लेकिन सेलेक्ट हो गया हाथी, मेरे से नहीं हो पाया। हो गया जरा, अब ध्यान से सुन, जया तेरी परीक्षा कभी भी ले सकती है। परीक्षा? हाँ, इसीलिए वो जानबूझ के गुलाब का पौधा लेकर आई है तेरी परीक्षा लेने के लिए। बाप रे। हाँ, वो कभी भी तुझसे कुछ भी पूछ सकती है, लेकिन तू जवाब मत देना। भाई मैं बोलूंगा ही नहीं कुछ। ऐसा तो हमेशा बोलता है, फिर कुछ ना कुछ तेरे मुंह से निकलता है। देख अगर इस बार कुछ भी निकला ना तो मेरा जूता तेरा सर 50 मारना। क्या बोला? उल्टा कर ले, तेरा जूता मेरा सर 50 मारना। यही बोल रहा हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा बोलता रहता है यार, और फिर हम लोग फंस जाएंगे। भाई देख, तेरी छोटी सी गलती भी ना हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है, वो तेरी भविष्यवाणी का टेस्ट लेने की पूरी कोशिश करेगी। भाई देखना, एक दिन भाभी का ना पैथोलॉजी लैब होगा। हाँ हाँ, इतने टेस्ट जो लेते हैं यार, तो लैब तो खोलेंगे ना। यही लॉटरी का रिजल्ट छपके आया होगा ना? अरे कमाल है, इस अखबार में तो रिजल्ट है ही नहीं। सुधाकर भैया, ये लॉटरी का रिजल्ट ही नहीं छपा है कहीं पे भी। कौन सी लॉटरी? अरे वो माँ बापू जी ने भविष्यवाणी की थी ना, वो लॉटरी, कहीं पे भी रिजल्ट नहीं है उसका। तो उसका क्या? अरे उसका क्या क्या, उसका क्या, रिजल्ट ही नहीं छपा है ना अखबार में, कहीं पे भी नहीं है। ओ हाँ, अब इनको क्या बताऊं, 2012 के अखबार में 2018 की टिकट का रिजल्ट कैसे छपेगा? मुझे कैसे पता? हाँ मैं ही पता लगाती हूँ। बाप रे, जया दीदी बाहर गई तो उनको पता चल जाएगा कि ये 2012 नहीं 2018 है। जया दीदी रुको, वो क्या है ना, वो जब भी लॉटरी का टिकट मैंने सब्जी वाले को बेचा था ना, तो उसके पहले लॉटरी के टिकट के पीछे स्टेट लॉटरी का नंबर था, वो मैंने याद कर लिया था। अच्छा, तो मैं ही फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ ठीक है, बस थोड़ा जल्दी पता लगाइए। हाँ क्या हुआ, नहीं लगा? लगा ना। हाँ, तो फिर काटा क्यों? मैंने मिस कॉल दिया, अभी वो लोग करेंगे। सुधाकर भैया फोन लगाइए, पता कीजिए। हाँ हेलो हेलो, स्टेट लॉटरी? हाँ, वो एक इंक्वायरी करनी थी। हाँ, और नंबर दू? हाँ हाँ जल्दी थी। हाँ हाँ, 2153240। हाँ शून्य शून्य। हाँ हाँ, क्या 1 करोड़ नहीं लगा? अच्छा 10 लाख? 10 लाख भी नहीं लगा? 1,000? वो भी नहीं? क्या 10 रुपया भी नहीं लगा? आए, 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 आए। नहीं, उसने कुछ नहीं किया। जय बेटी, सब लोग आ गए हैं तो बताओ अभी सुबह सुबह सबको क्यों बुलाया है? हाँ, ये बताने के लिए बाबा कि माँ बापू जी की भविष्यवाणी पर भरोसा रखकर मैंने शादी के लिए हाँ ऑलमोस्ट कह दी थी,
लेकिन आज फिर से महा बापू जी की एक भविष्यवाणी गलत साबित हुई। जया, तू एक बार मुझे फाइनल बता दे कि तुझे जैसे शादी करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि तेरे कभी हाँ कभी ना के वजह से ना मुझे घड़ी घड़ी अपने स्पा की अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ रही है। स्पा? माँ, आप सेवाश्रम में रहकर अमीरों की तरह स्पा में जाती है? अरे नहीं, मामा का कहने का मतलब वो अमीर वाला स्पा नहीं था। माँ तो अपनी दोस्त पुष्पा के बारे में बात कर रही है ना? हाँ, पुष्पा। वो मेहंदी लगाती है और वो सिर्फ गरीबों को ही मेहंदी लगाती है बहुत सस्ते में, तो सारे गरीब लोग ना उसी से मेहंदी लगवाते हैं, तो माँ उसी के बारे में बात कर रही थी, है ना माँ? हाँ, वाह। अच्छा अच्छा, वैसे वाला वो पुष्पा? हाँ हाँ हाँ, वैसे वाला। अच्छा अच्छा। जय बेटी, अब ये तो बताओ कि गैंटन जी के कौन से भविष्यवाणी के बारे में तुम बोल रही थी? हाँ हाँ, कौन? ज्ञानचंद जी ने ये भविष्यवाणी की थी कि सुधाकर भैया को लॉटरी लगेगी। सुधाकर, तू लॉटरी खेलता है? नहीं काका, मैं नहीं खेलता काका, वो मुझे ज्ञानचंद जी ने दी थी और मैंने वो लॉटरी की टिकट सब्जी वाले को बेच दी। वो अब वो लॉटरी सुधाकर बेटा? लोखंडे जी, दरअसल क्या है कि हम प्रवचन देने गए थे तो हमारे यजमान ने 2000 के नोट की बजाय वो लॉटरी हमारे जेब में डाल दी थी गलती से, तो वो हमने लॉटरी सुधाकर बेटे को ऐसे दे दी। अच्छा, वरना वरना हम तो लक्ष्मी की मौत से बहुत दूर रहते लोखंडे जी, आपको तो पता है। हाँ, और वही लॉटरी नहीं लगी, मैंने अभी अभी चेक किया है। तो कैसे बेटा, वो लॉटरी कैसे लगेगी? वो लॉटरी सुधाकर ने वो सब्जी वाले को बेच दी थी, तो उसे कैसे लगेगी? लेकिन भविष्यवाणी तो लॉटरी की हुई थी ना? और वो नहीं लगी तो भविष्यवाणी गलत साबित हुई ना? अरे लेकिन बेटी। नहीं बाबा, ज्ञानचंद जी की एक भविष्यवाणी सही साबित होती है और मेरा विश्वास उन पर बढ़ जाता है, और फिर एक और भविष्यवाणी गलत साबित होती है और मेरा विश्वास हिल जाता है बाबा। अब ऐसे में आप ही बताइए, मेरे शादी के बारे में की हुई भविष्यवाणी पर भरोसा रखकर मैं अपना भविष्य दांव पर कैसे लगा दूं बाबा? नहीं बाबा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अरे सुधाकर, ओ सुधाकर, कहाँ छिपा है? काका, ये वही राम बसेसर है सब्जी वाला, इसी को मैंने टिकट बेचा था। अच्छा, आधा बात बताओ और आधा छुपा लो। ये कौन बोलेगा कि तुम मुंह बोले रहे कि लॉटरी बहुत स्पेशल लॉटरी है, और किसी पहुंचे हुए महाराज ने कहा है कि इस लॉटरी का जो है बहुत मोटा इनाम लगने वाला है, 1000 का बाजार लग जाएगा और हम करोड़पति आदमी बन जाएंगे। कुछ नहीं हुआ ऐसा, सत्यानाश है लॉटरी, 1 रुपए का इनाम नहीं लगा इसका। चिल्लाओ मत, आपका 100 रुपया अभी मैं दे देता हूँ। चुप काका, तोरा 100 रुपया का ऐसी का तैसी, ये ले। रख अपना 100 रुपया अपने पास। चुप। बहुत जोर से लगी, और लॉटरी दो। लगी। अरे लॉटरी लगी,
लॉटरी लगी लॉटरी लगी लॉटरी लगी 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 सुधाकर जी को लॉटरी लगी। तुम कितने बेशरम हो, तुमने अभी सुना नहीं वो सब्जी वाले ने क्या कहा कि सुधाकर भैया को लॉटरी नहीं लगी और तुम फिर भी झूठ बोल रहे हो। ये झूठ नहीं है, अरे ये तो सच है, अरे ये सच है और ये सच आप सबने अपनी आंखों से देखा है। अरे जय बेटे तू क्या बोल रहे हो। लोखंड जी एक मिनट, जय जी आप मुझे बताइए महाबापू जी की भविष्यवाणी एग्जैक्टली क्या थी। यही कि सुधाकर तुम्हें लॉटरी लगेगी। करेक्ट, सुधाकर को लॉटरी लगेगी और सुधाकर जी को लॉटरी लगी। कैसे कैसे नहीं कहा ये पूछे लोगों ने पूछे कहा सुधाकर जी बताइए कहाँ लगी। काका इधर इधर लगी, हाई जोर से लगी, आया 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 सुधाकर जी को लॉटरी पीठ पे लगी। हाँ? जो सब्जी वाले ने पत्थर में लपेट कर मारी वो उनको लगी। इनकी भविष्यवाणी क्या थी, सुधाकर जी को लॉटरी लगेगी और सुधाकर जी को लॉटरी लगी। लग गई लग गई। बाबा ये तो चीटिंग है ना, ये तो शब्द पकड़ रहा है। जी नहीं मैं शब्द नहीं पकड़ रहा, शब्द तो आप पकड़ रही है। अरे मैं तो इस संत की वाणी के भाव को पकड़ रहा हूँ जो कि बहुत ही गहरा है। वाह बापू जी। लोखंडे जी क्या आप मुझे बताइए, आप तो जानते हैं महाज्ञानी को महाबापू जी को, आप मुझे बताइए क्या महाबापू जी सपने में भी ऐसा कह सकते हैं कि सुधाकर जी को लॉटरी से पैसे मिलेंगे। हरगिज नहीं हरगिज नहीं, ध्यानचंद जी के लिए तो ये लॉटरी खेलना पाप है, पाप है। वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो तुम बताओ मुझे कि महाबापू जी के क्या भाव थे। हाँ इनका भाव ये था। हाँ तो महाज्ञानी है, इन्हें तो सब कुछ पहले से ही पता होता है, तो महाबापू जी ने पहले ही ये देख लिया था कि सुधाकर जी के मन में भले एक सेकंड के लिए ही ये ख्याल जरूर आया था कि उन्हें लॉटरी के पैसे मिले और वो करोड़पति बन जाए। नहीं नहीं गुस्सा मत होइए, भले एक सेकंड के लिए ख्याल आया था, अब ख्याल आया तो सजा तो मिलेगी ना सुधाकर जी, अवश्य है ना। और यही सजा महाज्ञानी महाबापू जी ने पहले ही अपनी मन की आंखों से देख ली और इन्होंने भविष्यवाणी की कि सुधाकर बेटा को लॉटरी लगेगी और हुआ क्या, सुधाकर जी को लॉटरी लगी। वाह 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 महाज्ञानी जी महाबापू जी आप धन्य है। ज्ञानचंद जी वाह वाह बेटा वाह, आज हमें विश्वास हो गया कि हमारे समुद्र जैसे विशाल ज्ञान को सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो, सिर्फ तुम ही। वाह चिरंजीव हो बेटा चिरंजीव वाह। दस ऐसी भविष्यवाणी की ना मौत हो गई तुम्हें। शुक्रिया शुक्रिया जी करो बेटा। सॉरी। अब तो हम जिंदगी भर एक दूसरे से टकराते रहेंगे, क्या तुम जिंदगी भर मुझे सॉरी कहते रहोगे। हम जिंदगी भर तक एक दूसरे से क्यों टकराते रहेंगे? क्योंकि हमारी शादी होने वाली है ना, और पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसे ही होता है खट्टा मीठा, थोड़ा प्यार का चक्कर,
थोड़ी तकरार की टक्कर। आपके मुंह में घी शक्कर। मैं पहले बहुत टेंशन में था, मुझे लगा आप मुझसे नफरत करती है ना, आप कभी शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी, मतलब भी हाँ कह दी करेगी नहीं, लेकिन ये नफरत तो प्यार में बदल गई। ये नफरत प्यार में कैसे बदली, मुझे कुछ बताओ ना जया। जया नहीं नहीं, इट्स ओके, आई लाइक्ड इट। बस यू ही, कल रात को ना मुझे नींद नहीं आ रही थी। हाँ, क्यों? और ये खिड़की खुली रह गई। हाँ। और वो पर्दा थोड़ा सा सरक गया और आपने मेरे दिल के खाली कमरे में अपनी जगह बना ली। कौन कौन कौन? नहीं, इतना ही हुआ। अरे इतना ही बहुत है, मेरे मन में तो हंगामा हो गया इतने से ही। मेरे मन में भी। रियली? ये लोग जया का सपना भी शांति से नहीं दिखने देंगे। ये इस तरह से क्यों चिल्ला रहे? तो दीपक की आवाज है क्या? यूकी, मुझे ज्यादा बटन दबाने की आदत है तो नहीं, पर क्या करूं, आज ये धन्नो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। धन्नो मेरी बात मान, रुक जा धन्नो, इसकी हालत देख, इसका हुलिया देख, धन्नो मेरी बात मान। ए मिस मालपानी, वो मोबाइल नहीं है, मैसेज करना बंद कीजिए। क्या हुआ इसको? डांस प्रैक्टिस। अच्छा, बाल क्यों खड़े इसके? मेरी रिस्पेक्ट में। यू की समझने वाली बात ये है कि धन्नो आज मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी बात नहीं मान रही और इसको करंट पे करंट दी जा रही है। करंट? अरे बच गया, मतलब के करंट मर गया ना। मिस मालपानी, क्या है ये सब? क्या ये फैंसी ड्रेस क्यों पहन के रखा है? फैंसी ड्रेस नहीं है, थीम वेडिंग की तैयारी है। हम लोग सोच रहे तुम्हारी वेडिंग के लिए हम शोले और याराना का थीम रखे। भाड़ लग गया तुम्हारा। याराना? मेरे को नहीं बनना है। क्यों? अरे मेरी जैकेट खराब हो गई यार। अरे तुझे जैकेट की पड़ी है? अगर मैं थोड़ा लेट होता ना, तू लेट हो जाता। लेट? ये कहाँ जाने के लिए लेट होता? अरे लेट दीपक तिजोरी हो जाता ये। ओ सॉरी, लेट समझ में आया। भाई थैंक यू यार, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें इतनी फिक्र कर रहा यार। मुझे तेरी नहीं, अपनी खुद की फिक्र है। अरे कितनी मुश्किल से जया ने शादी के लिए हाँ कहा है, अगर तू लेट हो जाता ना तो 13 दिन तक तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं मालपानी जी, लगाइए करंट, लगाइए करंट। मेरे पास एक फैंटास्टिक आइडिया है। मेरे पास है ना एक बहुत पुरानी शॉल पड़ी है। हम लोग एक काम करते हैं, दीपक के दोनों हाथ काट देते हैं, फिर उसके ऊपर शॉल रख देते हैं और इसको ठाकुर बनाते हैं। नहीं, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी क्या? एक सेकंड, डिसाइडेड, तू ठाकुर बनेगा, पीसी गब्बर बनेगा, जय जय बनेगा, मैं बसंती बनूंगी और उर्मिला मूछ लगा के वीरू बनेगी। वीरू की मूछ नहीं थी ना, तो हम लोग सोच रहे हैं उसको टकला करके रहीम चाचा बना दे। अरे डिसाइडेड, अब मैं गरीब घर में जाके पीसी और उर्मिला को ये बात बता के आती हूँ। अरे भाई समझा इसको। अरे मिस मालपानी रुक के। मिस मालपानी मेरी बात सुनिए,
चाहिए मिक्स माल पानी। कमाल है, कमरे से निकली तो गांव की गोरी की तरह चल रही थी, नाम बुला तो गांव की घोड़ी बन गई। घोड़ी? थका दिया। Come to the point. कहाँ जा रही है? मैं गरीब घर में जा रही हूँ। यहाँ से आप नहीं जाएंगी। ओके, नहीं जाती। पहले अपना फोन दो। फोन क्यों चाहिए? मुझे फोन करना है। अरे ये मिस माल पानी,